नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। कानपुर शहर का ग्रीन पार्क स्टेडियम में वर्ष 2016 से बन रहा नया प्लेयर्स पवेलियन आज आधिकारिक तौर पर खेल विभाग को मिल गया। इस पवेलियन की चाबियां निर्माता कंपनी ने उपनिदेशक खेल की मौजूदगी में विभाग के कर्मचारियों को सौंप दी। इस प्लेयर पवेलियन का काम वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ था। हालांकि लिफ्ट और रूफ टेरेस का काम समाप्त होते होते इसका आखिरी बजट लगभग 37 करोड़ के आसपास पहुंच गया। पिछले दिनों मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने ग्रीन पार्क मैदान का निरीक्षण करने के बाद निर्देश दिए थे कि जो काम पवेलियन में बचे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कराने के बाद चाबी खेल विभाग को सौंपी जाए, जिस पर निर्माणाधीन कंपनी ने सभी कमियों को दूर करने के बाद उसका पुनः निरीक्षण खेल विभाग द्वारा कराने के बाद चाबियों को खेल विभाग को सौंप दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित इस बिल्डिंग में खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग हॉल, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी आदि कई अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस न्यू प्लेयर्स पवेलियन तैयार किया गया। साथ ही ये बिल्डिंग सेंट्रली एसी से लैस है, जो इसकी शोभा में चार चांद लगाती है। हालांकि इस पवेलियन में शुरुआत से ही काफ़ी विवाद रहे, लेकिन अंततः आज इन सभी का अंत हो गया और ये चमचमाता न्यू प्लेयर्स पवेलियन ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुमार हो गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में डायरेक्टर पवेलियन में ड्रेसिंग रूम जब शिफ्ट किया गया था तो खिलाड़ियों के लिए स्थायी जगह तलाशने के लिए नए प्लेयर्स पवेलियन बनाने का प्रस्ताव बना। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए UPCA गैलरी का स्थान चुना गया। जर्जर हो चुकी गैलरी को गिराकर इस पवेलियन को बनाने के लिए आवास विकास को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका ठेका आवास विकास ने शहर की नामचीन निर्माता कंपनी MHPL को दिया था। इसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी थी कि सभी इसको पूरा होने की राह देखने लगे। हालांकि बाद में डिज़ाइन में फेरबदल भी हुए, जिसमें इसका काम पूरा होने में समय तो लगा ही और साथ ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। सबसे पहले मामला इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर हुआ, जिसमें इसकी पीछे स्थित फ्लड लाइट की रोशनी मैदान में पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचने का आया, जिसके कारण रूफ में टेरेस नहीं लग पाई। बाद में पवेलियन में पानी भरना, बेसमेंट में स्थित किचन में जिम बनना, लिफ्ट का ना लग पाना आदि कई ऐसे मामले आए जो सुर्खियों में बने रहे। सबसे विवादित मुद्दा हैंडओवर का छाया रहा, जिसमें पता लगा कि ये पवेलियन बिना लिफ्ट व रूफ टेरेस के ही एक साल पहले वर्ष 2019 में ही हैंडओवर किया जा चुका है। कई बार यहाँ की जांच के लिए टीमें भी गठित हुई। लखनऊ स्तर के अधिकारियों ने यहाँ की रिपोर्ट बनाई। पूर्व RSO पर भी गंभीर आरोप लगे। बावजूद इसके आज का दिन ग्रीन पार्क के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इसका श्रेय उपनिदेशक खेल मुद्रिका पाठक को भी मिला, जिन्होंने अपनी मौजूदगी में आज इस पवेलियन की चाबियां खेल विभाग को दिलाई। उन्होंने आज विभाग के कर्मचारी रंजन को MHPL के कर्मचारी विनोद से यहां की सभी चाबियां लेने के बाद पूरे स्टाफ के साथ पवेलियन के अंदर जाकर सभी सामानों को चेक करवाते हुए इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई। वहीं MHPL कंपनी के निदेशक पीयूष अग्रवाल ने भी आज खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले दिनों मंडलायुक्त के निर्देश के बाद बंद पड़ी बिल्डिंग में जो साफ सफाई व छोटे मोटे काम थे वो सब पूरे कर आज खेल विभाग को पवेलियन की चाबियों के अलावा बिल्डिंग में मौजूद सभी सामान को चेक कराकर सौंप दिया गया। अत्याधुनिक आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर इस पवेलियन का निर्माण कराया गया है। ये बिल्डिंग देश के अन्य स्टेडियम्स के लिए एक मिसाल बनेगी। निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।